इतनी आवाज तो बिना माइक के चली जाएगी बाहर तक, इतना आवाज तो बिना माइक के हो जाएगी। साफ आवाज आ रही माइक से? आप लोग मेरा जोश के साथ अपने हौसला बुलंद करके दोनों मुट्ठी बांध करके ऐसे कस के दोनों हाथ की, और जब मैं बोलूंगा भारत माता की तो इस तरह से आप आवाज देंगे, एक मजबूती मिलेगी और अपनी आवाज उन विरोधियों तक पहुंचेगी, उनको महसूस होगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ आगे है। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज इस गौतम नगर डिवीजन 141 में हमारी प्रत्याशी श्री संतोषी श्रीनिवास मुद्रा के पक्ष में मैं कुछ बोलूं, उससे पहले हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित इस डिवीजन के प्रेसिडेंट श्री लक्ष्मण राव जी, हमारे दूसरे आदरणीय श्री नीलम राजन जी, आदरणीय रामदास धनराज जी, असम सेट्ठी जी, सोमा श्रीनिवास एडवोकेट साहब, महिला मोर्चा की श्रीमती मंजुला जी, श्री गणेश जी एससी मोर्चा के, आदरणीय श्रीमती कुडेश्वरी जो महिला मोर्चा की ये भी हैं, हमारे बीच में जीएस गणेश दानिश जी, गणेश जी हमारे अभी विचार परिवार से आपको अपने संबोधन में बहुत सारी बातें उन्होंने बताने का काम किया, आदरणीय श्री पूषा आनंद अमरानंद जी, और जिनके माध्यम से मुझे इस हैदराबाद की धरती पर आने का अवसर प्रदान हुआ है, हमारे भाई गंगा पुत्र श्री जनार्दन जी, और मेरे साथ चल कर के आए हमारे बीच में और जिन्होंने मेरे आते से ही अभिवादन किया, और विचार परिवार आरएसएस से श्री मनोहर जी, और मेरे साथ दिल्ली से चल कर के आए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, हम लोगों के मार्गदर्शक भाई टीएस बरोड़ जी, हम सभी यहाँ पर आए हुए सभी अम्मा भाइयों बहनों सभी को मैं कोट सा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आपको बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। एक बार बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आज इस हैदराबाद की धरती पर कारपोरेटर का चुनाव चल रहा है, हमें ये पहले समझना होगा इस हैदराबाद को, हैदराबाद आज ये तेलंगाना प्रदेश में किसकी सरकार चल रही है, वो सरकार भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से बताने के लिए ये आप लोगों के बीच में हम उनके पक्ष में आए हैं, आज अपने प्रत्याशी के पक्ष में जिनकी यहाँ सरकार चल रही है वो कोई और नहीं है, ये जान लीजिए आप लोग, वो वही है जिन्होंने 70 साल से राज किया इस देश में, और आज तक उनको यहाँ के गरीबों की याद नहीं आई। आज वो बात करते हैं, लंबी लंबी बात करते हैं और गली कूचे की बात करते हैं, हमारे उन सभी साथियों भाइयों और इस यहाँ के नागरिक लोगों को, यहाँ की जनता के बारे में उनके घर को गली बोलते हैं, अरे उसी गली ने तुमको सीएम की कुर्सी पर बिठाने का काम किया, उनको नीचा दिखाने का काम करते हो, उनके बारे में तुमको सम्मान नहीं है, तुम्हारे पास इज्जत नहीं है, लेकिन धन्य इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, जैसे 2014 में सरकार बनी, सबसे पहले हर पूरे देश के उन गरीब घर के गरीब परिवार के माताओं बहनों को उन्होंने सम्मान दिया, सम्मान में क्या दिया, कांग्रेस की सरकार ने सबको लंगड़ी गूंगी बहरी बना करके जो रखी हुई थी, और वो गूंगी सरकार किसी गरीबों को सुनने वाली नहीं थी, उन्होंने कहा अब अच्छे दिन आएंगे, और अच्छे दिन लाने के लिए उन्होंने सबसे पहले उस गरीब परिवार गरीबी हालत में जो लोग
गांव में बस करते हैं, मैं शहर की आज प्रचार प्रसार में हूँ, लेकिन जिन गांव में बस करते हैं उनसे जाकर के आप लोग पूछिए उनकी हालात क्या थी उस समय। लेकिन उन्होंने निगाह डाला, उन्होंने अपने विचार में अपने मन से उनके लिए इतना, उनके विचार इतने उत्तम थे कि उन्होंने उन गरीबों के लिए, गरीब परिवार के लिए सारी सुविधा मुहैया कराने का संकल्प लिया। कहा जब तक परिवार, गांव के लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक गांव का विकास नहीं होगा, तब तक कोई भी चीज इस देश में, देश का उन्नति नहीं होगा। उन्होंने तय किया, तय करने के बाद उन्होंने फैसला करने के बाद ये लागू भी किया। उन्होंने कहा जो लोग गांव में बसते हैं, जो गरीब परिवार में आते हैं, उनके पास सुविधाएं नहीं है, मजदूरी करके, नौकरी करके, घर का काम करके अपने जीवन यापन के लिए माँ बहने, अम्मा बाहर निकल करके काम करती हैं, उनको सम्मान के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबसे पहले जंगल की लकड़ियाँ ला करके अपने घर में खाना पकाने का काम करते हैं, और वो जंगल की लकड़ी से जो धुएं निकलते हैं उससे उनकी स्वास्थ्य उनका खराब होता है, उस पर उन्होंने सोच पैदा किया और दवा कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। अगर थोड़ी बोड़ी जो थोड़ी बहुत जमीनें उनके पास होती हैं तो उस कांग्रेस के धन्ना सेठ और TRS के धन्ना सेठ, इनके गुंडे माफिया, इनके जो पालतू कुत्ते, वो जा करके उन लोगों की, उनके रियासत पर निगाह रख करके जो थोड़ी मोड़ी उनके पास जो थाती होती है, उनकी जो है जो जमीन होती है, जो उनका पूंजी होती है, उसको भी बर्बाद करने के लिए कैसे कब्जे में ले लें उनको। अगर किसी ने ऐसे लोग कर्ज भी दे दिए, कर्ज देने के बाद अगर वो चुका नहीं पाए तो उनकी वो जमीनें हड़पने का काम ये TRS के लोग करते हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूँ इस TRS का खात्मा यहाँ से करना होगा। ये आज ये कॉर्पोरेटर का चुनाव नहीं हो रहा है, ये समझिए ये देश का चुनाव हो रहा है। इस तरह से आपको तय करके, क्योंकि यहाँ का साम्राज्य यहाँ TRS है और MIM, ये दोनों कहीं दूसरे नहीं हैं, ये दोनों एक ही हैं। एक जो है छुप के काम करता है, एक बाहर से काम करता है, एक नागनाथ है एक सांपनाथ है। ये लोग कहीं कहीं से हमको, यहाँ के लोगों को दबोचने का काम करते हैं, हमारे अधिकार को दबाने का काम करते हैं, हमारा संरक्षण नहीं करते हैं बल्कि हमको कुचलने का काम करते हैं। इनको हमको सबक सिखाना होगा। ये सबक कैसे सिखाएंगे, आज आपको मैं बता दूं, आज भारतीय जनता पार्टी गुंडई के बल पर नहीं, किसी ऐसे अराजकता के बल पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी काम करके लोगों को सम्मान दे करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस आशय के साथ आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में चल रही है। मैं कहना चाहता हूं, अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में बड़े मुस्तैदी से जो इस देश की सरकार ने जो मुहैया कराया, इस प्रदेश की सरकार ने उसमें भी कटौती करने का काम किया है, उसको भी पूरा पूरा गरीबों को देने का काम नहीं किया। वह केंद्र की सरकार ने यह आदेश किया था कि हम जब तक ये लॉकडाउन रहेगा, अप्रैल से लेकर के अभी दीपावली तक उन्होंने ये आदेश पारित किया था, कहा था कि उन गरीब परिवार, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए हम यहाँ से फ्री मुफ्त में राशन मुहैया कराएंगे, उनको दाल चावल सब्जी ये सब की व्यवस्था केंद्र सरकार ने किया। लेकिन ये TRS की सरकार ने वो ठीक ढंग से उन गरीबों तक पहुंचाने का काम नहीं किया, उसमें भी घोटालेबाजी करने का काम TRS ने किया है। तो मुझे इसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आज ये शुरुआत हो गई है, ये कॉर्पोरेटर का चुनाव ये समझ लीजिए TRS के खात्मा का चुनाव है। जिस दिन कॉर्पोरेटर हमारे जीत करके आए और इस हैदराबाद में मेरा मेयर बना, मेरा यहाँ का, इस पूरे हैदराबाद का मेयर जब अपना बनेगा तो उसी दिन तय हो जाएगा कि आने वाले दिन में
जब यहाँ विधानसभा का चुनाव होगा, एमएलए का चुनाव होगा, तो टीआरएस का खात्मा उल्टी गिनती वहीं से शुरू हो जाएगी। ये आपको तय करना पड़ेगा। आज मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, मेरी बात हो सकती है हिंदी समझ में आप लोगों को पूरी आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं ये नहीं समझता, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप सब लोग समझ रहे होंगे। आज पूरे देश में जो चीजें चल रही हैं, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि लॉकडाउन के अंदर जो छोटे छोटे उद्योग धंधे, जो हमारे माताएं बहने हैं वो काम करती हैं, वो छोटे छोटे उद्योग लगा करके सिलाई कटाई बुनाई पापड़, छोटा उद्योग लघु उद्योग जो काम करती हैं, उनके लिए उन्होंने एक कानून बनाया है। उन्होंने कहा कि उनका सारा धंधा चौपट हो गया है, वो धंधा चौपट हो गया तो उनके लिए व्यवस्था किया, सभी पूरे देश के बैंकों को एक निर्देश दिया और सभी सरकारों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है उनको लोन देंगे, वो जिस प्रकार का उनका लोन देने पर कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होगी, केवल वो जो काम करते हैं उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ऑनलाइन करना होगा। जब आप ऑनलाइन कर लोगे तो आप लोगों को एक उसमें से सर्टिफिकेट मिलेगा, ऑनलाइन का ऑनलाइन नंबर मिलेगा, वो लेकर के आप जब बैंक में जाएंगे आपकी कॉर्पोरेटर जीत के जाएंगी, ये चिट्ठी लिखेंगी और आपको साक्ष्य देंगी कि हाँ ये काम करते हैं, तो बैंक मैनेजर एक साल के लिए आपको आपको लोन देगा, उसका कोई ब्याज नहीं लगेगा। एक साल के लिए लोन देगा, ब्याज नहीं लगेगा। अपने धंधे जो व्यापार आप करते हैं, जो भी काम करते हो उसमें से कमाई करके उसको आप चुकाते रहिए, निकालते रहिए, चुकाते रहिए, निकालते रहिए, आपको ब्याज लगने वाला नहीं है। लेकिन उसका दुरुपयोग कोई करेगा, कोई भी दुरुपयोग उस धन का करेगा तो निश्चित तौर पर उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनकी जरूरत है, जिनकी आवश्यकता है, उनको ये काम करना चाहिए। सारे काम को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिल्ली से देने का काम किया है। ये टीआरएस की मेहरबानी नहीं है, टीआरएस ने तो वो भी काम नहीं किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कई कई हजार करोड़ रुपए गरीबों के ऊपर खर्च करने के लिए, उनके गांव में सड़कें बनाने के लिए, शौचालय बनाने के लिए, तमाम इस तरह की व्यवस्थाएं देने के लिए किया है। आज भी टीआरएस की सरकार 2.5 से 3 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक जमीन पर उतारने का काम नहीं किया, इसलिए टीआरएस को जवाब देना पड़ेगा। टीआरएस, उनको समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी, अभी आपको मालूम है हाल ही में बिहार में चुनाव हुआ, आपने देखा, पहले वहां के लोगों में समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में समझ में आया कि यहां पर फिर जंगल राज कायम हो जाएगा, तो तुरंत माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तुरंत उन्होंने समझ करके एक तरफा आज वो वोट देने का काम शुरू कर दिया। और जब काउंटिंग हो रही थी तो जंगल राज वाले लोग सोच रहे थे कि अब मेरा सत्ता आ जाएगा। आज जो गाय का चारा खा जाता हो, आप सोच लीजिए, जो उन गरीबों का चारा खा जाता हो, ऐसे लोगों को सत्ता में आने की जरूरत है क्या? कतई नहीं आने देना चाहिए। ये हम आपको तय करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकने का आज संकल्प लेना पड़ेगा। अब तय करिए आप लोग कि आज ही से अपने अपने नातहित रिश्तेदार में, अपने अपने सगे संबंधी में ये मैसेज पास करेंगे कि आने वाले 1 तारीख को कमल के निशान वाले के सामने मुहर लगा करके अपनी प्रत्याशी संतोषी श्रीनिवास मुद्राज को भारी मतों से विजयी बनाएंगे और टीआरएस के प्रत्याशी की जमानत जब्त कराएंगे, उसकी जमानत यहाँ दिखाई देगी। सही, इस तरह से तय करके आप लोग निकलेंगे और अपने अपने घरों में, अपने अपने सगे संबंधियों में आप फोन है, फोन के माध्यम से, संदेश के माध्यम से खुद पहुंच करके सुबह शाम चाय पी करके उनके साथ बातचीत करके उनके साथ एक मशवरा करके आप लोग इसको जरूर करने का काम करिए। और निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ, अब इस बार यहाँ का मेयर, यहाँ का महापौर आपका भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, टीआरएस का नहीं बनेगा, ये हमें विश्वास है। मैं कल से आया हूँ, 2 दिन से यहाँ चल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जो यहाँ पर हलचल है, जो घरों में हलचल है, जो माँ बहने अम्मा उनको पता है कि इस बार किसको देना चाहिए,
टीआरएस की जो जितनी कहानी है सबको अब समझ में आ गई है। वो कोई और नहीं है जो 70 साल से जो राज किया कांग्रेस, उसी का भाई सपोला है, जो बड़ा सांप, जो उसका फन कुचल गया है, अभी अधूरा बचा है, लेकिन वो भी समाप्त होने वाला है। उसी में से एक निकला हुआ ये सपोला आप लोगों के बीच में डंक मारने का काम करता है, इस समय पे आपके काम नहीं आता निश्चित तौर पर। और ये लोग, ये आप लोगों को बहका करके, आपने देखा होगा मैं गंगा पुत्र हूं, आप लोगों को पता होगा हमारे समाज में लोग मछली पकड़ने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, गर्रम, क्या गालम, गालम, गालम देखा आप लोगों ने, गालम में नहीं, गालम गालम कांटा, हमारे यहाँ कांटा बोलते हैं, छोटा सा होता है गालम, जाल नहीं गालम, गालम गालम में एर्रा लगाते हैं, एर्रा हमारे यहाँ बोलते हैं चारा, गालम में एर्रा लगाते हैं। वो एर्रा क्यों लगाते हैं कि मछली छोटी वाली मछली बड़ी हो जाएगी, नहीं इसलिए लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि जब एर्रा खाएगी मछली तो फंस जाएगी, गालम में फंस जाएगी, और जब फंस जाएगी तो कौन खाएगा, ये आप जान लीजिए, जो फंसाएगा वो खाएगा। इसलिए एटीआरएस और एमआईएम ये एर्रा और गालम का काम करते हैं। जब जब चुनाव आता है तो ये गालम और एर्रा में फंसा करके उसी प्रकार से हमको समझते हैं, उस मछली की तरह हमको समझते हैं, और वो अपने जाल में, अपने जो है उस चारे में फंसा करके हमको पूरा जो है नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, हमारा भलाई नहीं करते हैं। तय करना होगा, आज ये महसूस करिए आप लोग कि आने वाला 1 तारीख आप लोगों के लिए बहुत सुखद होगा, जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जब भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा तो पूरा यहाँ पूरा सभी परिवार जीतेगा, क्योंकि यहाँ कोई भाई भतीजे बेटा और बहन और लड़की का पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, एक किसी की अकेले की पार्टी नहीं है, टीआरएस एक परिवार की पार्टी है, एमआईएम एक परिवार की पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, उन बूथ के पदाधिकारियों की पार्टी है, उन माँ बहनों की पार्टी है, जहाँ पर महिला को सम्मान मिलता है, वो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है पूरे देश के माँ बहनों को, अम्मा को जो सम्मान देती है, उससे बड़ी पार्टी इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करने आया, मैं चाहता हूँ आज ही से तय करिए, जिस दिन 1 तारीख को जब मतदान होगा, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, मतदान के पहले जलपान नहीं होना चाहिए। मैं शनिवार को उपवास रहता हूँ, आप लोग भी किसी न किसी दिन उपवास रहते होंगे, मैं आज के दिन शनि देवता का आराधना करके घर से निकलता हूँ, आप लोग भी किसी न किसी देवी देवताओं का आराधना करते होंगे। हम हिंदू समाज में ये चीज़ आपको अच्छी तरह से पता है, हम लोग आराधना करते हैं, तो एक दिन अपनी इस अम्मा के लिए आप लोग आराधना करेंगे, और सुबह सुबह पहले मतदान करेंगे, फिर आप लोग घर में आकर के नाश्ता पानी और जलपान करेंगे, ये तय करिए, और सब हाथ उठा करके आप लोग बताइए, इनके सामने कहिए, दोनों मुट्ठी बांध करके हाथ ऊपर करिए और बोलिए कि हम सब लोग संकल्प लीजिए कि हम लोग एक एक और अपने अपने नाते रिश्तेदार अक्सगे संबंधी अपने दोस्त का एक एक और कमल वाले निशान पर हम मुहर लगा करके ही दम लेंगे, और अपने अम्मा संतोषी श्रीनिवास मुद्रा को भारी मतों से जीता करके और इस पंचायत में भेजने का काम करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सब आए, सभी को यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, हम अपने पत्रकार साथियों को, मीडिया के बंधुओं को, बैठे हुए सभी वरिष्ठ ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पदाधिकारियों को, अपने यहाँ के सभी मोर्चा के सभी साथियों को, अपने मोर्चा की अम्मा को, मैं सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जय।
भारत माता की जय। भारत माता की जय। वेदिक में उन पेदलु उत्तर प्रदेश गोरखपुर राज्यसभा मेंबर श्री जय प्रकाश अन्नगार की धन्यवाद। अलागे मन अन्ना श्रीनिवास मुद्राज गार की नीलम राज गार की मन 141 डिवीजन झांसी रानी अन्ना मन अक्का संतोष मुद्राज गार की అన్న వాసం శెట్టి గారికి అలాగే వేదిక ముందున్న అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ భారత్ మాతాకి భారతీయ జనతా పార్టీ